एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है। इस पार्ट तक हम डिस्कस कर चुके हैं, आज की वीडियो में हम ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर दोज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच आर नॉन फंक्शनल। ये क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं इन द प्रोसेसर बट वर फंक्शनल इन द एंसेस्टर। यानी ये हमारे एंसिस्टर्स के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंसिस्टर के अंदर तो फंक्शनल थे, लेकिन अब प्रेजेंट कंडीशन में ये क्या है? नॉन फंक्शनल है एंड आर फंक्शनल इन रिलेटेड एनिमल्स। एंड जो एंसिस्टर्स थे, एंसिस्टर के रिलेटेड एनिमल्स थे, उनके अंदर क्या थे? ये फंक्शनल थे। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के जो कि हमारे एंसिस्टर्स के अंदर फंक्शनल थे, लेकिन हमारे अंदर क्या है? वो नॉन फंक्शनल है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन मैन, सबसे पहले हम मैन के वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात करेंगे एंड देन अदर एनिमल्स के वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात करेंगे। तो अगर मैन के अंदर देखें हम, अबाउट 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है, 100 से भी ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है यहाँ पे कोकाइक्स, जिसको टेल बोन बोलते हैं। टेल बोन क्या है? एक वेस्टिजियल या फिर रूडिमेंटरी ऑर्गन है। इट इज स्मॉल ट्रेंगुलर बोन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 to 5 एंड जनरली 4 बोन्स की होती है, रिड्यूस्ड कोडल वर्टिब्रे। जो कोडल वर्टिब्रे होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं एंड प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सैक्रम। ये जो सैक्रम है इसके एंड के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे 3 से 5 होते हैं या फिर जनरली 4 वर्टिब्रे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे 4 ट्रेंगुलर बोन्स यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं। एंड ये 4 ट्रेंगुलर बोन फ्यूज होके बनाती है यहाँ पे टेल बोन। तो हमारे अंदर क्या है? वो हमारे एंसिस्टर्स के अंदर फंक्शनल ऑर्गन था, लेकिन हमारे अंदर क्या है? वो एक नॉन फंक्शनल ऑर्गन है। इट बिकम वेस्टिजियल। क्यों वेस्टिजियल बन गया? ड्यू टू बाइपेडल गेट, यानी हम दो पैरों से चलते हैं उसकी वजह से, एंड सीटिंग पोस्चर ऑफ द मैन, एंड हमारा जो सीटिंग पोस्चर है उसकी वजह से हमारे अंदर क्या हो गई? टेल जो है, टेल बोन वो रिड्यूस हो गई। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जिसको थर्ड आई लीड और प्लीका सेमिनुलरिस बोला जाता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे होती है ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन होती है। इट इज थिन ट्रांसपेरेंट फ्रीली मूवेबल फोल्ड होती है, विच इज मूव टू द क्लीन कॉर्निया इन फ्रॉग पिजन एप्स। इनके अंदर ये जो है प्रेजेंट थी फ्रॉग के अंदर, पीजन के अंदर, एप्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, लेकिन मैन के अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। एक थिन ट्रांसपेरेंट फ्रीली मूवेबल फोल्ड होता है जो क्या काम करता है? क्लीन करता है कॉर्निया को, ठीक है, कॉर्निया को ये क्लीन करता रहता है। अब मैन के अंदर वेस्टिजियल क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर प्रेजेंट होता है कॉर्निया इज क्लीन बाय रेगुलर ब्लिंकिंग ऑफ द आईलिड। आईलिड की हम ब्लिंकिंग करते हैं, उसकी वजह से कॉर्निया जो है वो क्लीन होता रहता है, तो हमें इस निक्रेटिंग मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे अंदर ये क्या हो गई? एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गई। इन मैन इट इज प्रेजेंट एज अ पिंकिश फोल्ड इन इनर एंगल ऑफ द आई, ठीक है, ये पिंकिश फोल्ड की तरह यहाँ पे प्रेजेंट होती है मैन के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीकम और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो ये जो है ये पार्ट यहाँ पे ये क्या है? अपेंडिक्स जो है ये पार्ट। तो दीज आर वेरी लॉन्ग साइज्ड इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के अंदर ये लॉन्ग साइज की होती है, हर्बीवोर्स लाइक रैबिट, हॉर्स एक्सेट्रा एंड हाउ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इनके अंदर क्या होती है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहाँ पे होते हैं, और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का क्या काम है यहाँ पे? सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करने का। एंड सेलुलेज एंजाइम क्या करेगा? जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनको ये क्या कर देगा? सिंपल वन में ब्रेक कर देगा। तो ये सेलुलेज एंजाइम क्या करता है? सेलुलोज पार्ट जो होता है प्लांट फूड का, ठीक है, सेलुलोज पार्ट जो होता है प्लांट फूड का उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ये सेलुलेज एंजाइम। लेकिन मैन के अंदर ये रूडिमेंटरी होती है, वेस्टिजियल होती है,
So, cecum is small pouch-like structure and ends into a blind tubular vermiform appendix. And cecum जो है, ठीक है, cecum क्या है? एक pouch-like structure है जो कि vermiform appendix के अंदर क्या हो जाता है? End हो जाता है. Cellulose of the plant food is simplified during the process of cooking. अब हमारे अंदर की rudimentary form में present है, vestigial form में present है. क्यों present है? क्योंकि हमें इन symbiotic bacteria के through cellulase enzyme की जरूरत नहीं पड़ती है. क्योंकि जो हम food खाते हैं, जो हम plant food eat करते हैं, जो सेलुलोज होती है प्लांट फूड की, वो सिंप्लीफाइड कर दी जाती है ड्यूरिंग द कुकिंग. कुकिंग के ड्यूरिंग ही वो सिंप्लीफाइड कर दी जाती है. सो देयर इज नो नीड ऑफ सिंबायोटिक डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज. तो हमारे अंदर कोई सिंबायोटिक डाइजेशन जो होता है सेलुलोज का, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इसलिए ये क्या हो गई है यहाँ पे, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गई. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अलावा, बट समटाइम्स इन मैन, कई बार क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इलोंगेट्स ड्यू टू वॉर्म इन्फेक्शन और डीके ऑफ फूड. इसके अंदर वॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर फूड जो है वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या हो जाती है, इलोंगेट कर जाती है. दिस इज कॉल्ड अपेंडिटाइटिस एंड नीड सर्जिकल रिमूवल. एंड ये जो डिजीज हो जाती है इसके अंदर क्या होता है, इसको सर्जिकल रिमूवल की नीड होती है. एंड सर्जिकल रिमूवल को बोला जाता है अपेंडेक्टोमी. ठीक है, इसकी वजह से क्या कर दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है. क्योंकि इसका कोई फंक्शन तो है ही नहीं, तो इसको रिमूव भी कर दिया जाए तो इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओरिकुलर मसल्स. अगर ओरिकुलर मसल्स की बात करें, इन मैन देर आर थ्री ओरिकुलर मसल्स. तीन ओरिकुलर मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, सुपीरियर इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ओरिकुलर मसल्स. तो यहाँ पे ये एंटीरियर हो गई, यहाँ पे ये सुपीरियर हो गई, एंड ये क्या हो गई, यहाँ पे पोस्टीरियर हो गई. बट आर वेस्टिजियल, लेकिन ये क्या होती है, वेस्टिजियल होती है. सो पीना इज मोस्टली इमूवेबल. हमारे अंदर क्या होता है, पीना जो है इमूवेबल होता है, क्योंकि हमारा हेड जो है वो मूवेबल होता है. बट इन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स लाइक डॉग, कैटल, कैट्स, एलिफेंट्स, ऑरिकुलर मसल्स आर फंक्शनल. इनके अंदर क्या होता है, ऑरिकुलर मसल्स फंक्शनल होती है. एंड यूज टू मूव द पीनट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड टू कलेक्ट द साउंड वेव्स मोर एफिशिएंटली. जिस साइड से साउंड आती है, इनका पीना जो है उस साउंड वेव को कलेक्ट करने के लिए उस साइड मूव कर जाता है. तो इनके अंदर ये होता है, लेकिन हमारे अंदर क्या है, ये एक वेस्टिजियल मसल है, वेस्टिजियल, क्योंकि हमारा हेड जो है ऑन फ्रीली मूवेबल हेड होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है विजडम टीथ और केनाइंस. ठीक है, विजडम टीथ एंड केनाइंस अगर हम बात करें, विजडम टीथ आर थर्ड पेयर ऑफ मोलर ऑफ परमानेंट सेट. परमानेंट सेट के अंदर ये थर्ड पेयर ऑफ मोलर होता है. आइदर डू नॉट इरप्ट, या तो ये इरप्ट होता ही नहीं, निकलता ही नहीं है, या तो इरप्ट होता है ये बिटवीन 18 to 25 ईयर्स के एज में. दिस रिमेन वेस्टिजियल इन मैन ड्यू टू ओमनिवोर्स डाइट. एंड ये मैन के अंदर ओमनिवोर्स डाइट की वजह से वेस्टिजियल रहता है, क्योंकि उसको लेस च्यूइंग की जो है रिक्वायरमेंट होती है. दिस चेंज इन फीडिंग हैज आल्सो अफेक्टेड इन केनाइंस ऑफ द मैन. एंड इस फीडिंग हैबिट की वजह से जो केनाइंस है वो भी क्या हो गई, यहाँ पे रिड्यूस हो गई. दीज आर स्मॉल साइज इन मॉडर्न मैन. मॉडर्न मैन के अंदर क्या होते हैं, केनाइंस स्मॉल साइज के होते हैं इन कंपेरिजन टू दोज ऑफ द अर्ली मैन एंड प्रेजेंट कार्निवोर्स. प्रेजेंट कार्निवोर से अगर हम बात करें, या फिर जो अर्ली मैन थे उनके अंदर क्या थे, केनाइंस जो है वो लार्ज साइज के होते थे. नेक्स्ट एग्जांपल है बॉडी हेयर. इन मैमल्स लाइक मंकीज, एप्स, रैबिट्स, कैट्स, डॉग, रैट्स, इन सब के अंदर बॉडी हेयर फॉर्म अ थिक एंड इंसुलेटिंग ब्लैंकेट. इनके अंदर क्या होता है, एक थिन और एक थिक और इंसुलेटिंग ब्लैंकेट फॉर्म कर लिया जाता है बॉडी के ऊपर. लेकिन अगर हम मैन की बात करें, हेयर इज प्रेजेंट एज वेस्टीज. ठीक है, हेयर्स जो है बिल्कुल वेस्टीज की तरह यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट वाई फंक्शनल ओनली एट आई आईलिड्स, ईयर ओपनिंग, इन पे क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं. टू चेक द एंट्री ऑफ द डस्ट पार्टिकल, इनका काम है डस्ट पार्टिकल की एंट्री को चेक करना. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेमरी ग्लैंड एंड निपल्स. अगर मेमरी ग्लैंड की बात करें, जिनको मिल्क ग्लैंड बोला जाता है, ये मिल्क जो ग्लैंड होती है कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड होती है, हुज मेमरी डक्ट ओपन एट द निपल्स ऑफ द ब्रेस्ट. ठीक है, ब्रेस्ट की निपल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड की डक्ट जो है ओपन होती है.
एंड दीज आर लार्ज साइज एंड फंक्शनल इन फीमेल. लेकिन लेकिन क्या होता है, वेस्टीजियल होती है मेल के अंदर. मेल के अंदर क्या होगी, वेस्टीजियल होगी. तो ये भी क्या है, एक यहाँ पे वेस्टीजियल ऑर्गन होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है पाइनियल बॉडी. पाइनियल बॉडी की अगर हम बात करें, स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द पाइनल स्टॉक. पाइनल स्टॉक के टॉप पे प्रेजेंट होती है एट द रूप ऑफ डाइनसेफेलन ऑफ द फोर ब्रेन. फोर ब्रेन का जो डाइनसेफेलन होते हैं उसके रूफ के ऊपर प्रेजेंट होती है येलो कलर की पाइनल ग्लैंड होती है. इट इज कंसिडर्ड एज वेस्टीजियल थर्ड आई. इसको वेस्टीजियल थर्ड आई की तरह कंसिडर किया जाता है. इज अ फंक्शनल इन सर्टेन जैसे कि रेप्टाइल लाइक स्फिनोडोन ऑफ न्यूजीलैंड एंड वाराणसी. इनके अंदर क्या होती है, फंक्शनल है. लेकिन मैन के अंदर ये क्या है, एक वेस्टीजियल ऑर्गन होती है. नाउ इट हैज बीन रिपोर्टेड टू एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. एंड रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करती है. नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टीजियल ऑर्गन्स इन अदर एनिमल्स. कुछ दूसरे एनिमल्स की अगर हम बात करें, मैन की हमने बात कर ली डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स की, अगर हम बात करें कुछ अदर एनिमल्स की, जैसे कि यहाँ पे होती है एक स्प्लिंट बोन. ठीक है, हॉर्स के अंदर एक स्प्लिंट बोन होती है. दीज आर वेस्टीजियल सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट. अब ये स्प्लिंट बोन क्या होती है, यहाँ पे सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट जो है फोर एज वेल एज हाइंड लिंब की हॉर्स के अंदर, ये क्या होती है, वेस्टीज होती है. क्यों वेस्टीज होती है, ड्यू टू कर्सोरियल मोड ऑफ द लोकोमोशन एंड एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ द थर्ड डिजिट इन देयर लिंब. इनके अंदर थर्ड डिजिट जो होती है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, लेकिन सेकेंड एंड फोर्थ क्या हो जाता है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, वेस्टीज हो जाता है. क्यों हो जाता है, क्योंकि इनका जो लोकोमोशन का मेथड है, लोकोमोशन का मोड है, वह कर्सोरियल, यानी कि ये कैसा है, ये रनिंग करते हैं. ठीक है, रनिंग मोड के लिए अडेप्टेड होते हैं, इसलिए इनकी सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट क्या हो जाती है, वेस्टीज हो जाती है. यहाँ पे यंग हॉर्स के अंदर की थोड़ा सा इलास्टिक लिगामेंट हमें नजर आ रहा है और लिगामेंट बिल्कुल ऑसिफाइड हो गए. यही स्प्लिंट बोन जो है क्या हो गई, यहाँ पे रिड्यूस हो गई है. फर्स्ट एंड फिफ्थ डिजिट्स हैव कम्प्लीटली डिसअपीयर. एंड जो फर्स्ट एंड फिफ्थ डिजिट है वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाएगी. तो अगर हम ऐसे देखें यहाँ पे कि जो सेकेंड है, फर्स्ट और फिफ्थ तो बिल्कुल ही यहाँ से क्या हो जाएंगी, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगी. एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट थी, ये सेकेंड हो गई एंड ये फोर्थ हो गई. सेकेंड एंड फोर्थ क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, वेस्टीज हो जाएंगी. एंड थर्ड वाली जो है, ठीक है, एंड फिफ्थ भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी. एंड थर्ड वाली क्या हो जाएगी, हाईली बिल्कुल एकदम से हम बोल सकते हैं कि इसकी एक्सेसिव डेवलपमेंट हो जाती है. इन डॉन हॉर्स फोर फंक्शनल टोज ओवर प्रेजेंट. लेकिन डॉन हॉर्स जैसे कि योहिपस के अंदर क्या होता है, फोर फंक्शनल टोज जो है प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है विस्टीज ऑफ हाइंड लिंब एंड पेल्विक गर्डल. ठीक है, जो हाइंड लिंब एंड पेल्विक गर्डल के विस्टीज होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फीमर एंड इलियम स्नेक्स के अंदर. ठीक है, ये यहाँ पे फीमर हो गई एंड ये यहाँ पे इलियम होती है. तो ये जो फीमर एंड इलियम होती है लाइक पाइथन एंड सैंड बॉस, ड्यू टू फोजोरियल लिविंग, इनकी लिविंग कैसे होती है, फोजोरियल लिविंग होती है एंड क्रीपिंग लोकोमोशन होती है, जिसकी वजह से फीमर और इलियम है ये क्या हो जाती है, वेस्टीज हो जाती है. दिस प्रूव्ड इवोल्यूशन ऑफ रिलेटेड स्नेक फ्रॉम द लिम्ब्ड एंसेस्टर. एंड ये जो है ये प्रूव करता है कि जो रिलेटेड स्नेक्स हैं फ्रॉम लिम्ब्ड एंसेस्टर्स से आए हैं, क्योंकि पहले इनके अंदर लिम्ब्स थे, फीमर थी, इलियम थी, यहाँ पे बोन्स थी, लेकिन बाद में क्या हो गई, यहाँ पे रिड्यूस हो गई. रिड्यूस क्यों हो गई है, क्योंकि ये क्रीपिंग लोकोमोशन करते हैं, फोर्सोरियल लिविंग है. द फोर लिम्ब एंड पेक्टोरल गर्डल्स हैव कंप्लीटली डिसअपीयर्ड इन अदर स्नेक्स. एंड फोर लिम्स एंड पेक्टोरल गर्डल्स है वो कुछ स्नेक्स के अंदर बिल्कुल कंप्लीटली डिसअपियर होते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है विस्टीज ऑफ हाइंड लिम्स एंड पेल्विक गर्डल बोन्स. ठीक है, पेल्विक गर्डल बोन्स एंड हाइंड लिम जो होते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें फीमर एंड इस्चियम की. फीमर एंड इस्चियम क्या है, इनसाइड द बॉडी ऑफ ग्रीनलैंड व्हेल्स. जो ग्रीनलैंड व्हेल्स होती है, अदर व्हेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है.
शोज इवोल्यूशन ऑफ वेल्स फ्रॉम द लिम्ड एंसेस्टर. ये भी क्या शो करता है कि इनके अंदर पहले ही हाइंड लिम्ब और पेल्विक गर्डल बोन्स प्रेजेंट थी, लेकिन ये क्या होगी इनकी जो है इनकी एडेप्टेशन की वजह से ये वेस्टीज हो गई. तो इससे शो होता है कि जो वेल्स का इवोल्यूशन है वो लिम्ड एंसेस्टर से हुआ है. तो ये यहाँ पे ये जो ये प्रेजेंट थी यहाँ पे फीमर एंड पेल्विस, ये क्या हो गई यहाँ पे वेस्टीज हो गई है. This hind limb and hip girdles have become vestigial in Greenland whales and have lost in other whales. दूसरी whales के अंदर तो बिल्कुल ही lost हो गए, लेकिन Greenland whale के अंदर ये vestiges की form में present होती. Similarly, the ear pinnae are also present in whales as vestigial organ. ear pinnae क्या होते हैं? Present होते हैं vestigial organ की तरह, because of their marine habitat की वजह. नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे विंग्स एंड फीदर्स इन फ्लाइटलेस बर्ड्स. जी ठीक है, जो बर्ड्स जो है फ्लाइट नहीं करते उनके अंदर विंग्स जो है लाइक स्ट्रूथियो कैमिलस हो गया, जैसे कि ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑफ अफ्रीका एंड अरेबिया, ट्राइक्स हो गया यहाँ पे कीवी जिसको हम बोलते हैं न्यूजीलैंड का, रिया हो गया साउथ अमेरिका ऑस्ट्रिच जिसको बोलते हैं, कैजुरियंस हो गए क्रोसोवेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ड्रोमियस हो गया इम्यू ऑफ द ऑस्ट्रेलिया आर वेस्टिजियल. इनके अंदर विंग्स जो है वो वेस्टिजियल होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं क्योंकि फ्लाइट ही नहीं, फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं. इट इज सो एज दीज बर्ड्स बिकेम लार्ज एंड इनकी बॉडी जो है वो लार्ज हो गई, इसके साथ ही हैवी भी हो गई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, सो फ्लाइंग बिकेम डिफिकल्ट फॉर एंड इनके लिए उड़ना जो है वो मुश्किल हो गया था. इस वजह से यूज ना करने की वजह से इनकी फीदर्स या फिर विंग्स ये क्या हो गई वेस्टीज हो गए. एंड दीज अडेप्टेड फॉर फास्ट रनिंग अपॉन ग्राउंड. एंड ये जो है ये फास्ट रनिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं, ग्राउंड के अंदर फास्ट रनिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं. रेफस डोडो बर्ड जो होता है मॉरिसिस का, विच बिकेम एक्सटिंक्ट मोस्ट रिसेंटली, ठीक है बिल्कुल रिसेंटली ये क्या हुआ है एक्सटिंक्ट हो गई है, ये ऑल्सो हैड वेस्टिजियल विंग्स, इसके पास भी वेस्टिजियल विंग्स होते थे. अगर हम देखें इसके अंदर जैसे कि क्रोसोवेरी हो गया यहाँ पे, इसके अंदर विंग्स जो है बिल्कुल क्या है यहाँ पे विंग्स जो है वेस्टिजियल है. रिया हो गया यहाँ पे एंड ऑस्ट्रिच हो गया, पेंगुइन हो गई, कीवी, इमू, इनके अंदर सबके अंदर क्या है फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं एंड इनके अंदर विंग्स जो है वो वेस्टीज की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं फास्ट रनिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे एब्डोमन इन क्रैब्स. क्रैब्स जो होते हैं उनके अंदर एब्डोमन रिड्यूस इज रिड्यूस्ड एंड फ्लेक्स्ड बिलो द सिफेलोथोरिक्स एंड इज वेस्टीजियल, ठीक है सिफेलोथोरिक्स के जो है हम बोल सकते हैं इसके नीचे क्या हो गया यहाँ पे बिल्कुल फ्लेक्स्ड हो गया है एंड ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. लाइक अगर हम इसमें देखें बिल्कुल एब्डोमन के ये जो सेगमेंट्स है एब्डोमन की है ये बिल्कुल क्या हो गया वेस्टीज हो गई है. द प्लियोपोड्स जो है और ऑल्सो हाईली रिड्यूस्ड एंड वेस्टिजियल. प्लियोपोड्स जो है इनके अंदर वो भी क्या है यहाँ पे हाईली रिड्यूस्ड है एंड वेस्टिजियल है. On the other hand, abdomen and pleopods are larger size and functional in prawn. लेकिन prawn के अंदर क्या होता है? जो pleopods and जो abdomen होता है, वो highly functional होता है. Next example है यहाँ पे eyes in cave animals. Cave animals के अंदर eyes, जैसे कि Proteus हो गया, blind salamander जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर eyes जो है वो vestigial होती है and are sunken deep head and without eyelids, ठीक है इसके अंदर यहाँ पे जो बिल्कुल sunken बिल्कुल धसे हुए होते हैं, I mean there is जमीन vestigial होते हैं sunken deep head and without eyelids यहाँ पे present. ये भी क्या हो गया यहाँ पे eyes जो होते हैं cave animals के अंदर वो vestigial होती है क्योंकि ये वाटर के अंदर रहती है डीप केव्स के अंदर एंड परफेक्ट डार्कनेस होती है तो इनको आईज का यूज नहीं होता है, इस वजह से इनके अंदर क्या हो गई यहाँ पे आई जो है वेस्टीज हो गई है. द रेटेड एनिमल्स लिविंग इन ओपन वाटर्स हैव नॉर्मल एंड फंक्शनल आईज. लेकिन जो इसके रिलेटेड एनिमल्स है वो क्या है वो ओपन लिविंग जो है ओपन वाटर के अंदर लिविंग करते हैं तो उनके अंदर नॉर्मल एंड फंक्शनल आईज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो केव्ड एनिमल्स है इनके अंदर क्या है नॉन फंक्शनल या फिर हम बोल सकते हैं रिड्यूस्ड और वेस्टिजियल आईज प्रेजेंट. तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन मैन एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन अदर एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ.
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एटाविज्म और रिवर्सन, यानी कि ये जो हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात की, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स दोबारा से रीअपियर हो सकते हैं, लाइक एंसिस्टर्स के अंदर थे ये, एंसिस्टर के बाद क्या हुआ यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन आई, या फिर हम अगर बात करें हमारी, हमारे अंदर ये रिड्यूस हो गए, वेस्टिजियल हो गए, लेकिन अगर हमारे अंदर ये करेक्टर दोबारा से रीअपियर हो जाते हैं तो उसको रिवर्सन और एटाविज्म बोला जाता है, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।